हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ नए टॉपिक जो नेशनल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। एंड कमिटी, जो कमिटी अपॉइंट किए जाते हैं पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट होते हैं उस पर डिस्कस करूँगा। एंड थर्ड टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सभी टॉपिक पर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। अब चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले ये जान लें ये जीएसटी है क्या, जो इस पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी फोकस किया, काफ़ी लोगों इस पर ध्यान लगाए हुए हैं कि हम लोग, आप लोग जो टैक्स देते हो उस टैक्स स्टेप बाय स्टेप कई जगह में देने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि एक ऐसा टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाए जो कंज्यूमर को एज ए कस्टमर उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। डायरेक्ट टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली पे कर देते हैं लोग और वो अपने हिसाब से रिकवर भी करना होता है या ज़्यादा चला गया टैक्स तो वापस भी आपके अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ ऐसे हैं जो कई बार ऐसा सुना गया है कि इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सर्विस टैक्स दे दिया रेस्टोरेंट में, या परचेज किया तो वैल्यू एडेड टैक्स दे दिया, एक्साइज ड्यूटी दे दिया, फिर इधर स्टेट लेवल पर जो होते हैं वैट होते हैं, टोल टैक्स होते हैं, कई सारे टैक्सेस हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पे करते हैं। अब ये सही मायने में गवर्नमेंट के पास पहुंचता है इसकी हमें कुछ नहीं पता चलता है, अब ये उनके विश्वास के ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बना लिया है कि ऐसा टैक्स बनाया जाए जो पारदर्शिता हो, जिसमें लोग जो टैक्स पे करें उसको एक अपने प्रूफ मिलेंगे और वो गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट टैक्स जाएगा, तो डायरेक्टली वो टैक्सेस पहुंचेंगे और उनके हिसाब से जो कोई भी क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, वो स्टेप बाय स्टेप स्लैब सिस्टम में जो हमसे एज ए कस्टमर जो हम पे करेंगे दुकानदार को या कहीं भी, तो उसकी पेमेंट वो इजीली कर सके। तो अभी हम जो इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जा रहे हैं ये अमेंडमेंट, ये हमारे लिए बहुत अमेंडमेंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी किस अमेंडमेंट के तहत किया गया है, तो ये हमें फोकस करना है 122 आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 122 आर्टिकल के अंदर ये जीएसटी को लाया गया है। और ये सिस्टम से जीएसटी स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लें कि जीएसटी इंट्रोड्यूस, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जीएसटी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा में दिया गया, तो ये नोट करें इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। इंट्रोड्यूस इन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अंत तक ले जाऊंगा कि कब लोकसभा इंट्रोड्यूस हुआ, कब लोकसभा पास किया, फिर ये राज्यसभा में गया, राज्यसभा पास किया, फाइनली जो है ये प्रेसिडेंट ने इस पर साइन भी कर दिया है। अब ये समझो कि ये बिल बन गया और इस पर जो है, जो आज के डेट में जो क्लास मैं शूट कर रहा हूँ, आज 16 सितंबर है और कल के डेट में 15 सितंबर के डेट में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसको किसी भी हालत में 1 जनवरी 2017 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सारे इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्सेस एक हो जाएगा। कहीं भी कंज्यूमर को, कस्टमर को एक जगह पे करना है और वो बर्डन कहीं न कहीं बायफर्केट होगा और लोगों को राहत मिलेगा। तो इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, ये हुआ है 19 दिसंबर 2014। ये पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद पास्ड बाय लोकसभा,
पास्ड बाय लोकसभा, ये पास हुआ है May 6, 2015। May 6, 2015 को ये लोकसभा पास कर गया। अब उसके बाद ये रेफर्ड कर दिया गया, ये आगे बढ़ा दिया गया, रेफर्ड टू सेलेक्ट कमीशन बाय राज्यसभा। उस एक प्रोसेस होते हैं, लोकसभा के बाद रेफर्ड किया गया। तो थर्ड स्टेप में आइए, सॉरी, रेफर टू सेलेक्ट कमिटी सेलेक्ट कमिटी बाय राज्यसभा। राज्यसभा May 12, 2015 May 2015 को ये सेलेक्ट कमिटी राज्यसभा के पास चला गया। अब फिर उसके बाद सबमिटेड कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट कब सबमिट किया, फोर्थ स्टेप में, कमिटी सबमिटेड कमिटी सबमिट रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट हुआ है July 22, 2015 July 22, 2015। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ये इंट्रोड्यूस लोकसभा में हुआ 19 दिसंबर 2014 को, पास्ड बाय लोकसभा, लोकसभा ने पास कर दिया May 6, 2015 को, रेफर्ड टू द सेलेक्ट कमिटी राज्यसभा ने मई 2015 को कर दिया, कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट्स July 22, 2015। अब आगे जो है, अब ये आगे आया है पास्ड बाय राज्यसभा, उसके बाद इसने राज्यसभा को पास, राज्यसभा ने इसे पास किया है। पास्ड बाय राज्यसभा आफ्टर अमेंडमेंट, August 3, 2016 को पास्ड बाय राज्यसभा आफ्टर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के साथ 2016 अगस्त 3 को इसने अमेंडमेंट करके पास कर दिया। अब फाइनली जो लास्ट स्टेप में आता है, पास्ड बाय लोकसभा, पास्ड बाय लोकसभा एज अमेंडमेंट, मतलब फाइनली उसने जो है August 2016, ये 8 अगस्त 2016 को लोकसभा ने इसे पास कर दिया। अब ये चला गया प्रेसिडेंट के पास। जो आज मैं 16 सितंबर को क्लास शूट कर रहा हूँ, इस डेट में ऑलरेडी प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया है और पीएम ने एक कमिटी बना करके रेफर कर दिया गया है। और फाइनली ये बताया गया है, उनका खुद नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है कि किसी भी हालत में ये 1/4/2017 से ये आपके पूरे इंडिया में GST लागू हो जाएगा। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, वो अब हमें नहीं देना है। सिंपली एक जगह पेमेंट करना है और अप्रोक्स अभी जो चर्चा हो रही है उस पर अभी डिस्कस होगा कि कितना परसेंट फाइनली किया जाए। जब वो पास हो जाएगा तब उस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा कि हाँ इतने परसेंट हमें वन टाइम में देना है।
फिलहाल हम जो सर्विस टैक्स देते हैं आज के डेट में, करेंटली अभी आपके पास सर्विस टैक्स जो हम पे कर रहे हैं वो है 15%, 15%। अब इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में कई जगह हम सर्विस टैक्स देते थे, अब हमें 1/4/2017 से वन टाइम में एक वर्ड यूज होगा, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें ये देखना है कि ये GST का इफेक्ट हम पर कहाँ पड़ता है एज ए कंज्यूमर, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है, इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ता है, और इसके अंदर कौन कौन से टैक्स लिए गए हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस टैक्स के अंदर कौन से टैक्सेस इंक्लूड किए गए। अभी मैंने बता दिया ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, एक्चुअल में ये इनडायरेक्ट टैक्स को एक्यूमुलेट किया गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो जगह हम पे करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्स चार्ज किया था जो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो टैक्सेस टू बी सबमिटेड में एट द देखना है, एट द सेंट्रल लेवल। अब ये सेंट्रल लेवल पर जो हम टैक्स पे करते थे उसको मैं एक जगह सबमिट कर रहा हूं, लाइक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर आ रहा है। सेकेंड है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये जो आपका है एट द सेंट्रल लेवल, ये सारे टैक्सेस जो है अब आज के डेट में ये सेंट्रल लेवल टैक्स चार्ज कर रहे हैं। अब इसके अंदर है एट द लेवल ऑफ एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल जो है वो कौन से टैक्सेस चार्ज कर रहा है। एट द स्टेट लेवल, अब स्टेट लेवल में ये बहुत कॉमन है जो आप लोग सुनते होंगे, दैट इज कॉल्ड VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका पुराना नाम जो है उसे हम सेल्स टैक्स के नाम से जाने जाते थे, अक्सर लोग इसे सेल्स टैक्स कहते हैं, अब इसका नया रूप आ गया है VAT। उसके बाद है इसमें इंटरटेनमेंट टैक्स, उसके बाद है सेंट्रल सेस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उसके बाद है ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय, एंट्री फी, और आज के डेट में इन सभी को स्पेशल नाम दिया गया है टोल टैक्स। ये तीनों एक ही नाम है, ऑक्ट्राय, एंट्री फी एंड टोल टैक्स। उसके बाद है परचेज टैक्स, परचेज टैक्स, उसके बाद लग्जरी टैक्स, उसके बाद है टैक्सेस ऑन लॉटरी, लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग हो गया,
इन सब जगहों पे जो है इन सारे टैक्सेस को अब एक्यूमुलेट करने जा रहा। इस जीएसटी में यही ध्यान रखना है कि दोनों टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी को एक्यूमुलेट करके अब जीएसटी का रूप धारण करने जा रहा है। तो अब वहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्स जीएसटी में लिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्स जीएसटी के अंदर लिए गए हैं। तो हमें याद रखना है सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, या यहाँ पे एडिशनल भी वर्ड आ सकता है, आपको एक और नोट कर लें, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो ये सारे टैक्सेस को अब एक्यूमुलेट किया गया। अब ये देखना है कि इस टैक्स का बेनिफिट एज ए कंज्यूमर हम पर क्या पड़ता है, एज ए बेनिफिट गवर्नमेंट को क्या पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए एज ए कस्टमर, कंज्यूमर जो हमारे आपको क्या इफेक्ट करने वाला है, क्या प्रभावित हम होंगे, क्या हमें फायदा है, इस पर थोड़ा जान लें। तो फॉर कंज्यूमर टू बेनिफिट बेनिफिट्स, अब ये बेनिफिट जो है अब हमको आपको क्या फर्क पड़ेगा एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेनिफिट ये है कि ये हमें सिंगल टैक्स लगेगा, एक जगह देना पड़ेगा, सिंगल सिंगल टैक्स और रिलायबल और ओवरऑल, मतलब यह है कि हमको आपको इसको बेनिफिट मिलेगा। तो सिंगल टैक्स समझिए कि हमें एक जगह पे करना है। अब आइए कंज्यूमर के बाद एज ए गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, फॉर गवर्नमेंट ये फॉर गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सिंपल एंड इजी। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आसान हो जाएगा वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट के एम्प्लाई हैं, इजी वे में एक जगह उनको कलेक्ट पैसे करके आएंगे। तो सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेटर, सिंपल एंड ईजी टू एडमिनिस्ट्रेटर, उनको एक जगह इसका उसके बाद है बेटर कंट्रोल्स ऑफ लीकेज, अब आसानी से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर कंट्रोल मतलब यह है कि उस पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा हायर रेवेन्यू इफिशियंसी, अब गवर्नमेंट के पास जो है अधिक से अधिक रेवेन्यू आएगा, हायर रेवेन्यू इफिशियंसी। तो ये चीज ध्यान देना है कि जीएसटी से सबसे पहले यह है कि हमारे आपको एक जगह सिंगल टैक्स पे करना है एज ए कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि सिंपल एंड इजी एडमिनिस्ट्रेशन, आसान हो जाएगा, एक जगह पेमेंट होगा, पैसे कलेक्ट होके आएंगे, बेटर कंट्रोल आसानी से कंट्रोल किया सकता है चूंकि डिफरेंट डिफरेंट टैक्स का डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, और हायर रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास अच्छे खासे अमाउंट, हैंडसम अमाउंट एक साथ उनके पास पैसे आएंगे। तो अब देखिए इसमें जीएसटी जो काफी चर्चा का विषय है,
फर्स्ट ऑल हम ये जान लें कि जीएसटी किस अमेंडमेंट के अंदर जो है तैयार किया गया है, वह अमेंडमेंट नंबर आपको याद रखना है 122। सेकेंडली ये ध्यान देना है कि जीएसटी जो है क्यों बनाया गया, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक जगह एक्यूमुलेट किया गया। अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है दो लेवल पे देते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर और एक स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर। तो अब हमें उन सेंट्रल और स्टेट लेवल को अलग अलग नहीं पे करना है, एक जगह एक्यूमुलेट करके कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से टैक्स हम लोग एज ए इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे, नॉर्मली हम तीन पे करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। अब वो हमें नहीं पे करना है, एक्यूमुलेट कर दिया गया है। उसी तरह से स्टेट लेवल पर हम कई स्टेप पे टैक्स पे करते थे, फॉर एग्जांपल रोडवेज में जा रहे हैं तो टोल टैक्स दे रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं तो इंटरटेनमेंट टैक्स दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये जगह जगह हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे थे। अब उन सभी को एक्यूमुलेट करके सेंट्रल और स्टेट को एक्यूमुलेट कर दिया गया और एक जगह हमें पे करना है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो 1/4/2017 से 100% चांसेस है कि ये अप्लीकेबल हो जाएगा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमिटी पे। तो कमिटी जो है एक्चुअल में कमिटी बनाए जाते हैं, उन कमिटी का ये उद्देश्य होता है कि पर्टिकुलर, जैसे कुछ समय पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पे कमीशन, जो अभी इंडिया में 7th पे कमीशन लागू हो गया है और पूरे इंडिया में लगभग अप्रोक्स 1 करोड़ पेंशन होल्डर और जो करंट एम्प्लाई हैं उन सभी को न्यू पेंशन और नए सैलरी मिल भी गए, पीछे का एरियर भी मिल गया। तो वो कमिटी बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, जो वो रेकमेंड करता है, वो सलाह देता है कि ये सब चीज़ होना चाहिए। वो काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं उसमें, काफ़ी अनुभवी लोगों को अपॉइंट किए जाते हैं। उसी तरह से कमिटी बनाया जाता है, तो हर कमिटी का अपना एक उद्देश्य होता है और उन पर वो फोकस किए जाते हैं। तो मैं कमिटी के बारे में अभी आपसे डिस्कस करूँगा। कमिटी, तो एक तो ये कमिटी का नाम जानना है, दूसरा किस फील्ड से ये कमिटी बनाया गया, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, किस एरिया से रिलेटेड है, ये मैं दो चीज़ों पे डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लूँ, पारेख कमिटी, तो कमिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल जान लें हम पारेख कमिटी। अब ये पूछा जाता है कि पारेख कमेटी किससे संबंधित है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। तो अब ये पूछा जाए कि पारेख कमेटी ने किस पर फोकस दिया है, तो आपको ढूंढना है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। सेकंड है जे ईरानी कमिटी, जे ईरानी कमिटी ये किससे संबंधित है, तो ये देना है टैक्स स्ट्रक्चर्स रिफॉर्म्स। टैक्स स्ट्रक्चर्स रिफॉर्म्स थर्ड जो है वो है केलकर कमिटी। केलकर कमिटी किससे संबंधित है, सॉरी
इसमें और थोड़ा ध्यान देना है कमिटी में थोड़ा पारेख कमिटी। ये पारेख कमिटी किससे संबंधित है तो ये ढूंढना है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से सेकेंड कमिटी जे जे ईरानी कमिटी। जे जे ईरानी कमिटी किससे संबंधित है? कंपनी लॉ रिफॉर्म्स। कंपनी लॉ रिफॉर्म्स। थर्ड है केलकर कमिटी। केलकर कमिटी किससे संबंधित है? टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। अभिजीत सेन कमिटी। अभिजीत सेन कमिटी किससे संबंधित है? यह है लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी। लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी। उसके बाद है सप्ता ऋषि कमिटी। सप्ता ऋषि कमिटी किससे संबंधित है? डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक टी इंडस्ट्री। उसके बाद है भूरे लाल कमिटी। भूरे लाल कमिटी किससे संबंधित है? इंक्रीज इन मोटर व्हीकल्स। इंक्रीज इन मोटर व्हीकल्स टैक्स। इंक्रीज इन मोटर व्हीकल टैक्स, जो टैक्सेस के बारे में मोटर व्हीकल के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद है वाई बी रेड्डी कमिटी। ये आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ये जो करंट, मैं आपको बता दूं, ये इनके नोटों पर आपने साइन भी देखा होगा। वाई बी रेड्डी कमिटी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिवेट।
रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिवेट, ये इन्होंने इनकम टैक्स के रिवेट के बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो एम्प्लाई होते हैं, एम्प्लाई की जो सैलरी मिलती है, तो सैलरी का एक गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्लैब में कुछ छूट भी दे रखा है, लेकिन छूट के बाद भी लोग चाहते हैं कि हम उसमें पैसे इन्वेस्ट करके और हम टैक्स बचा सकें। तो आज के डेट में करंट में अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत रिवेट अभी 1,50,000 मिलता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करके इसमें टैक्स बचा सकते हो। लाइक हम कहाँ पे अंडर सेक्शन 80C में लगा सकते हैं जो हमें टैक्स बचेगा, उस पर मैंने पहले डिस्कस किया हुआ हूँ। फॉर थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ मैं आपको कि आप इसमें NSC में लगा सकते हो, PPF जो प्रोविडेंट फंड है उसमें लगा सकते हो, फिर जो बच्चों का ट्यूशन फ़ी है अप टू 2 चाइल्ड, 2 बच्चों का ट्यूशन फ़ी में भी हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। FD जो होते हैं मोर देन 5 ईयर्स के लिए, हम वहाँ भी कर सकते हैं, मोर देन 5 ईयर्स के लिए FD करा सकते हैं, उसमें रिबेट मिल जाता है। उसके बाद जो होम लोन होते हैं, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी इसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना जो गवर्नमेंट स्कीम चलाया है, जो 1,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक हम पैसा इन्वेस्ट करके वो भी हम रिबेट ले सकते हैं। तो इन्होंने YB रेड्डी ने इनकम टैक्स रिबेट के बारे में, स्लैब के बारे में बताया कि आम पब्लिक को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, जिससे उनके आने वाले टाइम में उनको बेनिफिट मिले। तो रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट, इस पर काफ़ी उन्होंने डिस्कस किया था और आज के डेट में लोग इसके बेनिफिट उठा भी रहे हैं। तो YB रेड्डी ने रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट। उसके बाद है SN वर्मा कमेटी, SN वर्मा कमेटी, इन्होंने रिकंस्ट्रक्टिंग द कमर्शियल बैंक, मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक को उन पर काफी फोकस किया गया है। रिस्ट्रक्टिंग द restructuring the commercial banks, उसके बाद है दवे कमिटी, दवे कमिटी पेंशन स्कीम फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड पेंशन स्कीम फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर, और इसका बेनिफिट जो है पेंशन से रिलेटेड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग जो हैं, अभी इस पर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम भी चला रखा है अटल पेंशन योजना, जो अनरिकॉग्नाइज सेक्टर के लोग ही इसमें अप्लीकेबल हैं। और उस अटल पेंशन योजना में जो मैंने आपके साथ योजना के साथ डिस्कस किया था कि आज के डेट में अटल पेंशन के अंतर्गत 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 वर्ष के लोग जो हैं इसके मेंबर हो सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से उसमें प्रीमियम जो है वो प्रीमियम देना है। जब मेंबर्स के एज 60 हो जाए, अबव 60, जब 60 कंप्लीट कर ले, तो उस एज के बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो 1000 से 5000 तक पर मंथ मिलेगा। तो ये स्कीम का देखो, ये कमेटी बना और उसका इफेक्ट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अपने हिसाब से पॉलिसी बना करके लोगों को राहत दिलाता है। तो इसी का है जो डबे कमेटी ने एक स्कीम दिया था
कमिटी के, वो कमिटी ने रिपोर्ट दिया था, उसका बेनिफिट आगे चल करके अटल पेंशन योजना में अनरिकॉग्नाइज सेक्टर के लोगों को बेनिफिट मिलना चालू हो गया। उसके बाद है एनएच बोहरा कमिटी, एनएच बोहरा कमिटी जो है इन्होंने किस पर दिया है, रिलेशन ऑफ जो है क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के बारे में इन्होंने पॉलिटिक्स एंड क्रिमिनल्स के बारे में ज्यादा बताया है। रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स विथ क्रिमिनल, रिलेशन ऑफ पॉलिटिक्स विथ क्रिमिनल के बारे में एनएच बोहरा ने कमिटी से रिपोर्ट सबमिट किया। उसके बाद है सीबी भावे कमिटी, सीबी भावे कमिटी, ये कमिटी क्या दिया है, कंपनी इंफॉर्मेशन, इन्होंने कंपनी के बारे में काफी कुछ जानकारी दिया है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है कंपनी इंफॉर्मेशन, उसके बाद है अजीत कुमार कमिटी, अजीत कुमार कमिटी आर्मी पे स्केल्स, जो आज के डेट में देखोगे गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है वन पोस्ट वन पेंशन का जो स्कीम चला हुआ है वही है, आर्मी पे स्केल का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है ये। उसके बाद है यूके शर्मा कमिटी, यूके शर्मा कमिटी यह है नवार्ड रोल्स इन आरआरबी, नवार्ड रोल्स इन आरआरबी, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। नवार्ड के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ये नवार्ड है क्या, नवार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नवार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये नवार्ड के एस्टेब्लिशमेंट जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसके हेड क्वार्टर मुंबई है। और नवार्ड के थ्रू आरआरबी के माध्यम से लोगों के पास एग्रीकल्चर सेक्टर में बेनिफिट मिल रहा। तो नवार्ड के द्वारा आरआरबी, आरआरबी मतलब हुआ रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसके एस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। तो ये पॉलिसी ऐसा बनाया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को इजीली लोन मिले। तो नवार्ड रोल्स इन आरआरबी, ये क्या रोल है और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ावा के लिए, ये एक्चुअली नवार्ड और आरआरबी ये दोनों इंदिरा गांधी की देन है। इन्होंने ही, इंदिरा गांधी ने इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था एकदम, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स बहुत हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास लैंड है बट उनके पास सफिशियंट मनी नहीं होते हैं, वो खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर कैसे करें, तो बैंक के थ्रू वो लोन लें और खेती करें और इजीली वो पेमेंट करें। तो यूके शर्मा ने ये कमिटी बना करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया। उसके बाद है नरसिम्हन कमिटी,
नरसिम्हन कमेटी, ये है बैंकिंग रिफॉर्म्स। बैंकिंग के बारे में इन्होंने काफी कुछ जानकारी दिया है। उसके बाद है आर बी गुप्ता कमेटी, आरबी गुप्ता कमेटी, इन्होंने एग्रीकल्चर क्रेडिट पर फोकस किया। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट फार्मर्स को जो लोन दिए जाते हैं, लाइक आज के डेट में टाइप्स ऑफ लोन तीन है, थ्री टाइप्स के लोन दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो ये तीन तरह के लोन, शॉर्ट टर्म लोन नॉर्मली अप टू वन ईयर, लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन वन ईयर टू फाइव ईयर्स, एंड लॉन्ग टर्म लोन मोर देन फाइव ईयर्स। तो फार्मर्स जो है बैंक से, चाहे वो बैंक आपका आरआरबी हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे नॉर्मली इस एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारे बैंक आज के डेट में रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, उन बैंकों को, वो बैंकों के माध्यम से फार्मर्स के पास लोन पहुँचे, तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया एग्रीकल्चर क्रेडिट। चूँकि फार्मर्स जो है, और करंट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार के बजट में 2016-17 में, मैं यहाँ पर आपको नोट भी कर देता हूँ, यूनियन बजट अंडर यूनियन बजट 2016-17 में 9 लाख करोड़ जो है यूनियन बजट 2016-17 में 9 लाख करोड़ रुपया इस फंड में डाला हुआ है, कि इंडिया का कोई भी फार्मर्स ये ना कहे कि पैसे के अभाव में मैंने खेती नहीं किया। 9 लाख करोड़ रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड में रख दिया। अब इंडिया में जितने भी फार्मर्स हैं वो लोन लेकर के खेती करें, और इनको बहुत नॉर्मल रेट पे 7% पे इंटरेस्ट पर उनको प्रोवाइड किया जाता है। और एक बेनिफिट और दे रखा है गवर्नमेंट ने, कि अगर कोई फार्मर्स टाइमली पेमेंट कर देता है शॉर्ट टर्म लोन अप टू वन ईयर के अंदर, तो 3% को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सब्सिडी भी मिलता है। जैसे सब्सिडी का मतलब होता है ग्रांट बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिया गया छूट, जो आपके घर में लोग कंज्यूमर जिनके नाम से गैस कनेक्शन होगा उनको भी अप टू 12 सिलेंडर तक, इस फाइनेंशियल में 12 सिलेंडर पर उनको छूट दिए जाते हैं। उनके जो कंज्यूमर हैं जिनके नाम से गैस कनेक्शन है उनको एक सब्सिडी अमाउंट गवर्नमेंट के तरफ से ट्रांसफ़र होता है, जिसको कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसको देखना भैया, ये नीचे नहीं हो रहा। दस शीट पूरी हो गई, देखने एक बार सेव कर। अच्छा, 10 के बाद रुक जाते हैं क्या? आरबी कमेटी जो है, गुप्ता कमेटी ने आपको एग्रीकल्चर क्रेडिट पर जो रेकमेंड किया है। उसके बाद है महाजन कमेटी, महाजन कमेटी जो है इन्होंने शुगर इंडस्ट्री के बारे में दिया। जो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीनी की पैदावार हो और
इसको हम पूरे अपने इंडिया में अपने डिमांड के हिसाब से उसको आपूर्ति करें। उसके बाद है हनुमान राव कमेटी, हनुमान राव कमेटी, इन्होंने जो दिया है वो दिया है फर्टिलाइजर। इन्होंने दिया कि उर्वरक जो हमारे इंडिया में खेतों में फर्टिलाइजर जो लगते हैं वह अधिक से अधिक उत्पादन हो और हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। ये प्लानिंग है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर के काम में फर्टिलाइजर होते हैं वो भारत क्या है पूरा एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड है, तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के माध्यम से हम जो है फूड की प्रोडक्शन करते हैं, बट उसमें हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पर हेक्टर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो फर्टिलाइज़र हमारे इंडिया में होता है लेकिन हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अधिक से अधिक हमारे इंडिया में प्लांट बैठे और हम इसकी प्रोडक्शन करें। तो हनुमंत राव कमेटी ने फर्टिलाइज़र पर, इन्होंने फर्टिलाइज़र पर जो है इस पर काफ़ी फोकस दिया और आज के डेट में हम बहुत आत्मनिर्भर हैं फर्टिलाइज़र के मामले में, काफ़ी प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है फर्टिलाइज़र। वैसे देखना भैया कितना मिनट हुआ, ज़रा 49। थर्ड टॉपिक जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। एक्चुअल में बेरोजगारी किसको कहते हैं, अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लो। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा योग्य है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। वेरी सिंपल इजी लैंग्वेज में याद रखना है कि बेरोजगारी इसको कहते हैं जो व्यक्ति काम करने को तैयार है, जो रेट्स है उस पर भी काम करने को तैयार है, बट उसे काम नहीं मिलता है, कॉमन सेंस में उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कहते हैं। एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड When he is ready and willing to work, at the prevailing rate of wages, but not get work, मतलब वो जिस रेट पर काम करने को तैयार है, प्रचलित जो रेट चल रहे हैं उस पर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो नॉर्मल वे में हम उसे बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जैसे जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं कि किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी। अब देखिए ये ऐच्छिक बेरोजगारी किसको कहते हैं,
वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही इज नॉट विलिंग टू वर्क टू द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेज. जो रेट पर जो रेट मिल रहा है उस पर वो काम करने को तैयार नहीं है, उसे कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वो चाहता है कि हमें ज़्यादा रेट मिले और ऐसे लोग जो है अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं. तो जिस रेट पर काम करने को वह तैयार नहीं हो, जो काम अवेलेबल है बट वो काम करने को तैयार नहीं है, उसे कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. दूसरा आता है इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी. इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये क्या है? इसमें यह है कि व्हेन पीपल आर एबल टू वर्क, व्हेन पीपल आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेज बट डू नॉट गेट वर्क. मतलब वह है कि काम करने को बंदा तैयार है बट उसे काम नहीं मिल रहा है. जो रेट्स हैं उस पर भी काम नहीं मिल रहा है, उसे कहते हैं इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी. तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि अनएम्प्लॉयड किसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री किसको कहते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं. कई सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं. उसके बाद है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दृश्य बेरोजगारी. दृश्य बेरोजगारी, अब देखिए ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है और दृश्य बेरोजगारी क्या है, किसे कहते हैं? और दृश्य बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम पर लगे हुए होते हैं. नॉर्मल वे में अगर कोई काम है जो 5 आदमी कर सकता है, अब उसी काम को लोग 6-7-8 आदमी काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो फालतू काम कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो हो गया अदृश्य बेरोजगारी. जो आज के डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये क्वेश्चंस बराबर आते हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन विच सेक्टर, किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप आंसर ढूंढना एग्रीकल्चर सेक्टर. एक्चुअल में रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का एक लिमिट होता है कि वो उतना ही उत्पादन करेगा. तो अदृश्य बेरोजगारी जिसमें जरूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे हों वो डिसगाइज्ड अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है. उसके बाद आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी. मौसमी बेरोजगारी अक्सर एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं. सीजनल में लाइक एग्रीकल्चर में रवि, खरीफ, जायद, ये 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं. इन 3 टाइप्स के क्रॉप्स में नॉर्मली कोई भी इंडिया में 12 महीने खेती नहीं कर पाता है. कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद गांव में लोग बेकार बैठे रहते हैं, उसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में पाए जाते हैं. उसके बाद है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, औद्योगिक बेरोजगारी.
ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में है? ये एक्चुअल में कोल्स माइंस, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पर काम चाहिए बट उन लोगों को वहाँ पे काम नहीं मिलता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन, इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क। वो कहाँ पे वर्क? इन इंडस्ट्रीज, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, इन जगहों पे काम चाहिए बट इनको काम नहीं मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये एक्चुअली में क्या होता है ये इसको जान ले। यह वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक स्थिति के कारण परिवर्तन होते हैं। तो यह वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे पुराने उद्योग जो इंडस्ट्री है, वह इंडस्ट्री अब पुराना पड़ गया, तो अब जो है न्यू टेक्नोलॉजी में अब नए नए मशीन ऐसे आ रहे हैं कि बटन दाबो आपका काम शुरू हो जाएगा। तो ये उन इंडस्ट्री सेक्टर में पाए जाते हैं जो हाई टेक्नोलॉजी हो गया है, पुराने इंडस्ट्री बंद पड़ गए, उनमें कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, तो वहाँ के लेबर को काम नहीं मिलता है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके बाद आता है साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, अब ये किस क्षेत्र पड़ता है? एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, वो मूव करता रहता है। तो ये एक्चुअली आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक तेजी, मतलब इकोनॉमिक्स में कभी बूम आता है, कभी रिसेशन आता है, कभी सुस्त पड़ जाता है। तो ये साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट के तीन चार पार्ट्स हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाएंगे कि साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसको आप नोट कर लो, आर्थिक तेजी, आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती एवं आर्थिक पुनरुत्थान, इन क्षेत्रों में साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। उसके बाद आता है एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये संघर्षात्मक, मतलब ये संघर्ष करने वाली बेरोजगारी होती है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है। ये वो सेक्टर है जहाँ पे काम मिल रहा है और उससे कहीं ज़्यादा लेबर चार्ज मिल रहा है, तो क्या करेगा कि पूरा बल्क में बल्क लेबर जो है होता है मूव कर जाता है। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि जहाँ पे लेबर ग्रुप में, अब ये पता चला कि आज के डेट में पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में 250 पर डे चार्जेज है, अब वो दूसरा स्टेट अगर वो 300 पेमेंट शुरू कर दे तो बल्क में बल्क जो है लेबर चार्ज क्या होता है, लेबर वो मूव कर जाते हैं।
तो वहाँ मूव करने के कारण क्या हुआ कि एक जगह पे कई गतिशीलता आ जाते हैं जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो श्रमिकों में गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह चीज़ें उत्पन्न होते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अचानक उस एरिया में उत्पादन कम हो जाए, वहाँ पे लेबर जो है बेरोजगार हो जाएगा। फिर है शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद पड़ जाएगा। वियर एंड टीयर मशीन टूट फूट जाए, उसके कारण बेरोजगारी हो जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, वह सारे लेबर मूव कर जाएगा दूसरे जगह, वहाँ नहीं रह पाता है। तो ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो कई प्रकार के बेरोजगार होते हैं, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो नॉर्मली बेरोजगार की परिभाषा हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल रेट पर काम करने को तैयार है फिर भी उसे काम नहीं मिलता, वो नॉर्मल वे में हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कहते हैं। अब इसमें मैंने अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, फिर गतिशीलता बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया है और किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे पूछा जाए डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और दृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर है आपके मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो भी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में पाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मौसमी, ये जो है औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ पर लेबर चार्ज, लेबर काम करने के लिए गया, इंडस्ट्री, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, इन जगहों पे काम करने गया बट उन्हें काम नहीं मिला, तो उसे कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इन जगहों पे इन लिटरेट लोगों को काम चाहिए बट वहाँ पे काम ही नहीं मिलता है, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं, किस कारण से बेरोजगारी बढ़ते हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। कॉजेज, रीजन, किस कारण से बेरोजगारी बढ़ते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए। रीजन फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, अब किस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लाइक स्लो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, धीमा आर्थिक विकास, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन, कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, मौसम के अनुसार खेती हुआ, मौसम खत्म तो बेरोजगारी शुरू हो जाते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खास करके ये रूरल एरिया में बहुत ज्यादा बेरोजगारी पाए जाते हैं, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लो सेविंग इन्वेस्टमेंट, जो महंगाई के कारण
लोगों के पास बचत कम होते हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके फैमिली मेंबर जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ इरिगेशन। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर जो होता है वह ज़्यादातर मॉनसून पर डिपेंड है, तो लैक ऑफ इरिगेशन, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई सुविधाओं में कमी। तो ये चीज़ें हमारे लिए है कि भारत में अगर बेरोजगारी बढ़ रहा है तो बेरोजगारी बढ़ने के कुछ कारण हैं। अब इन कारणों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। लाइक पहला पॉइंट आपका है स्लो इकोनॉमिक्स ग्रोथ, धीमा आर्थिक विकास, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फैमिली मेंबर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, एग्रीकल्चर एज सीजनल ऑक्यूपेशन, कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, उस मौसम के अनुसार 12 महीने लोगों को खेती नहीं होते हैं, वहाँ पे बेरोजगारी होते हैं। उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम, खास करके गाँव में ज़्यादातर एक समूह में होते हैं, अर्निंग मेंबर कम होते हैं, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा पाए जाते हैं। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सवाल ये है कि आज के ज़माने में महंगाई के दौर में महंगाई के कारण लोगों के बचत नहीं होते हैं, तो जब बचत नहीं होगा तो अपने घर के मेंबर को सपोर्ट क्या करेगा, तो वहाँ पे फैमिली मेंबर बेरोजगारी रह जाते हैं। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इंडिया पूरा मॉनसून पर डिपेंड है, समय से बारिश हुआ तो ठीक है, नहीं तो गांव में लोग यूं ही बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर भी बेरोजगारी के कारण हैं। तो अब आपके पेपर में आ जाए किस कारण से बेरोजगारी बढ़ते हैं, तो ये सब सारे पॉइंट पर डिस्कस करोगे। कौन से सेक्टर में बेरोजगारी पाए जाते हैं ज़्यादा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आज की क्लास में मैंने आपके साथ 3 टॉपिक पे डिस्कस किया है। एक GST पे किया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो आज के डेट में बिल्कुल अप टू डेट है। दूसरा कमिटी जो बनाया गया, कमिटी पर डिस्कस किया हूँ। एंड थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर मैंने डिस्कस किया। ओके।